ओम शांति 20/3/2024 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। प्रश्न, किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे? उत्तर, हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए, मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी की दिल को दुखी नहीं करना है। अंदर कोई भी भूत है तो जांच करके उसे निकालना है। फूल बन सबको सुख देना है। दूसरा, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहें। सर्विस की युक्तियां रचनी है। ट्रेन में भी सर्विस करनी है, साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। वरदान, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। यह मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मुआफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही आशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे तो जो असंभव बात है वह संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्रात्माएँ हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। स्लोगन, सकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। सकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि उतर जाऊं, पल के ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि